जादूगर आनंद 26 जून को मार्टन स्कूल में अपना विश्व प्रसिद्ध फायर शो करेंगे। 29 जून को रीवा की सड़कों पर आंखों में पट्टी बांधकर निकलेंगे। 1 जुलाई से रीवा के कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में नियमित शो करेंगे। हमारी टीम ने उनसे बातचीत की। जादूगर आनंद 26 जून को मार्टन स्कूल में अपना विश्व प्रसिद्ध फायर शो करेंगे। 29 जून को रीवा की सड़कों पर आंखों में पट्टी बांधकर निकलेंगे। 1 जून से राज कपूर ऑडिटोरियम में नियमित शो करेंगे। हमारी टीम ने उनसे बात की। ढाई साल तो कोविड में सब कुछ डेड ब्लॉक रहा, उसको तो अब बिना ही नहीं, तो बहुत दिन तो नहीं हुए। ढाई साल कोविड के बीते, उसके पहले आप रीवा आए, इस बार रीवा में क्या नया लेके आए? इस बार में अधिकांश नया ही लेके आए। हम लोग रिपीट रन में कभी नहीं आए, जब तक पर्याप्त उतना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक पहले रीवा में जब भी शुरू हुए तो टेम्परेरी ऑडिटोरियम से स्टेज वगैरह बनाना होता, दिक्कत होती, तो खुल के नहीं कर पाए थे। ये पहली बार इतना अच्छा ऑडिटोरियम और स्टेज मिला है कि जादूगर आनंद का बेस्ट जो है हम कर सकें। इस बार जादूगर आनंद का बेस्ट होगा, ऑडिटोरियम बहुत अच्छा मिला है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले फायर शो के बारे में बात की। ये फायर शो और जो हमेशा की तरह आप आँखों में पट्टी बांधकर पूरे शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, फायर शो तो ये है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक, मुझे ऐसा लगा कि हम दुनिया भर में तो सब बड़ी बड़ी चीज़ें करते रहते हैं और अपने ही लोगों के बीच में तो ये सब नहीं कर पाते हैं। फायर शो की विद्य की जनता को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम निःशुल्क आँखों से देखें। देखिए, आँखों से जब हम देखते हैं और कैमरे में देखते हैं या प्रोजेक्शन देखते हैं, तो जमीन अपना जादू यानी आँख से ही देखने की चीज़ है, तब पूरा तरह से उसका संतोष। और दूसरे, मोटरसाइकिल चलाने का जो है वो ये है कि आज तक जब कोई अंदाज में रोड एक्सीडेंट में नहीं मरा तो आँख वाले लोग लाखों करोड़ों की तादाद में हर साल क्यों मरता है, हम उनको याद दिलाते हैं कि एक अंदाज में यदि पट्टी बांध के बिजी सड़कों पर इतना सुरक्षित चल रहा है, यातायात के नियमों का पालन कर रहा है, उसका जीवन सुरक्षित बंदा आदमी, तो आपको तो ईश्वर ने दो सुंदर आँखें दी है, पर अपने बच्चों को आनंद करने में पड़े। आँखों में पट्टी बांधने के पीछे एक मैसेज था जो आज डॉक्टर ही हम कहेंगे, जादू के डॉक्टर पूरे भारत के यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। रीवा में जैसा कि आपने कहा कि एक बड़ा स्टेज आपको मिल गया है, आप यहाँ पर 29 तारीख को रीवा की सड़कों पे निकलेंगे, उसके पहले फायर शो करेंगे और कुछ हर बार की तरह कुछ नया भी लाए हैं, तो किस तरीके से रीवा की जनता को ऐसा कुछ नया देखने के लिए मिलेगा जो आज तक कहीं नहीं मिला? तरीका ये है कि वो शामिल हो जाए नाम जो कर उसमें, और वो तो हमेशा की तरह होते ही, जैसे फायर स्टेशन कभी सप्ते में भी नहीं देखा देखा, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वो जो है रीवा में। इस बार पता नहीं क्यों मन हुआ, दुनिया भर में समझता अच्छा वो करते क्यों ना अपनों के बीच किए। रीवा की जनता खुश नसीब है, जादूगर आनंद ने यहाँ पर फायर शो के बारे में जो तय किया, जो इनका पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शो में से एक है। थोड़ा सा दूसरी बातें हो जाए जादू के साथ साथ, जैसा कि पूरे देश में जादू को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं आई जितनी आना चाहिए थी, हालांकि आपने और आपकी पूरी टीम ने इसको लेकर काफ़ी प्रयास किया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह है सरकारी उदासीनता, यानी जब से आज़ादी मिली 1947 से इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया, तो अभी जो कला और साहित्य वगैरह रहती है चीज़ें होती हैं, ये कोई दरख्त नहीं होता, पेड़ नहीं होता, ये तो लताओं की तरह होते हैं, ये कोई आसरा चाहिए होता है उसे लिपट के पलक पाता है, तो हम लोगों को कोई तने ही नहीं मिलता जिससे लिपट के हो पाए, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, जैसे कि अगर सरकार मदद करे या कहीं से भी इस तरीके की मदद हो, तो क्या इस पर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं? बहुत ज़्यादा देखता हूँ, गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम चला रही है लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट देने की तरफ क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा साधन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसकी बहाने जो है हमारी कल्चरल हेरिटेज बच जाएगी, विलीन हो रही है, डिमिनिशिंग बचाना चाहिए। हमारे
देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य है, हर बुंदी जी भी का ये कर्तव्य है कि इस चीज़ को महसूस करे और उसकी पहल करके कोई भी सांस्कृतिक हो रहा है। तो मैं सिर्फ एक कला की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे देखते देखते विलीन हो रही है, हम उसके चश्मदीद गवाएं ये दोनों।